हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़रा कंफ्यूज थी कि मैं LLB कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, तो वो ज़्यादा ही दिमाग चल ही नहीं रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने। इसी बीच हमने एक ट्रिप निकाली थी, यहाँ पर हम कुर्ग गए थे, तो उसी का ये वीडियो है। तो फाइनली मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं LLB नहीं कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट सेम दे दिया था, मेरा वाला फर्स्ट सेम के जो सारे जो ये है एग्ज़ाम्स वाइवास सब कुछ दिया था। फर्स्ट सेम का मेरा इनफैक्ट रिज़ल्ट भी आ चुका और है और उसमें भी मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं टॉपर हूँ मेरे क्लास की, पर मतलब ये सब सोच के ऐसा लग रहा था कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए क्या, पर मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, मतलब नेक्स्ट और 3 ईयर्स डालने हैं इसमें और उसके बाद जॉब करना है, तो उससे अच्छा क्यों ना मैं मेरे MBA जो मैंने डिग्री ले चुकी है उसमें जिसमें मुझे एक्सपीरियंस है उसी में मैं कुछ आगे करूं। यहाँ मैंने मेरा जो रिज़ल्ट है वो भी डाला है, ये मेरा फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट है। मुझे मेरे ये मार्क्स इतने अच्छे नहीं लगे, बट मेरे क्लास के तो ये हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो LLB करना मुझे ऐसा लगा कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब मैं कर सकती हूँ इजीली, मैं उसको क्लियर कर सकती थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट 3 ईयर्स देके फिर जॉब करना मुझे इतना टाइम में नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरी MBA की डिग्री ले रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं और मेरे पास अभी एक ही अटैम्प्ट बाकी है जो मैं स्टेट सर्विस का जो अटैम्प्ट है वो दे सकती हूँ, तो मैंने सोचा है कि ये 1 साल मैं दूंगी। अगर मतलब मैं ऑब्वियसली मेरा 100% दूंगी उसमें, मैं चाहूँगी कि बिकॉज मैंने मेरे लाइफ के बहुत सारे ईयर्स इसमें डाले हैं पढ़ाई में, तो मुझे उसमें एक पोस्ट मिले अच्छी सी, तो वो तो करूँगी। बट अगर नहीं हो पाता है तो मेरा प्लान भी ये रहेगा कि मैंने जो मेरी MBA किया है उस बेसिस पे मैं कोई जॉब कर लूँगी, या फिर एक्चुअली जब से मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब से मेरे MBA ख़त्म होने तक, जब तक मुझे जॉब नहीं मिला था तब तक मैंने ट्यूशन्स लिए थे। तो कभी कभी लगता है कि क्यों ना मैं ट्यूशन स्टार्ट करूं, बिकॉज मुझे वो अच्छा लगता है, मैंने बहुत साल किए हैं वो, तो मुझे ट्यूशन्स लेना पसंद है। तो सोच रही हूँ कि क्या मैं वो करूं या फिर MBA के बेसिस पे कोई जॉब करूं। अगर आप में से कोई मुझे सजेस्ट कर सके तो प्लीज़ बताइए कि क्या मुझे ट्यूशन्स लेना चाहिए या MBA के बेसिस पे कोई जॉब करना चाहिए। ट्यूशन्स के बारे में मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है बच्चों के साथ, मतलब बच्चों को पढ़ाना ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और दूसरा जो मैंने MBA के बेसिस जो मैं बोल रही हूँ जॉब करना, जिसमें मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस भी है, 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मुझे जॉब तो मिल जाएगा, पर मुझे अगेन वो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। शायद अगर मैं जो मेरा जॉब था वो कंटिन्यू करती तो मैं कुछ अभी हायर पोस्ट पर होती, पर अभी मुझे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ट्यूशन्स कभी कभी लगता है कि वो करना भी ठीक रहेगा बिकॉज मेरा बेटा भी छोटा है, तो उसके साथ मुझे ट्यूशन्स लेना ठीक भी रहेगा, बट मैं अभी इसमें भी कंफ्यूज। देखा जाए तो ये मेरा प्लान लेना चाहिए या मुझे है अभी नेक्स्ट 1 ईयर है जिसमें मुझे ये सोचना है, तो सोचूंगी मैं इस पर। पर आप में से भी कोई मुझे अगर एडवाइस कर सके तो प्लीज़ बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी वीडियो ज़रा रेगुलर बनाती रहूँ। अगर आप भी मुझे कुछ सजेस्ट कर सके कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ तो आप प्लीज़ बताइएगा। के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप काम एंड एंजॉय योर स्टडीज़।